तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो भाई 2-3 दिन से जो है हमारे यहाँ बिल्कुल एकदम बढ़िया वाली ठंड पड़ रही है और कोहरा वगैरह हो रहा है, और जो है कल तो बादल भी हो रहा था। तो भाई उसकी वजह से हमारे यहाँ जो है चूल्हा वगैरह तो जलता नहीं है घर पे, और लकड़ियाँ वगैरह हम जलाते नहीं हैं, हमारे यहाँ चूल्हा नहीं है, और कुछ फिर दिक्कत होती है लकड़ी वगैरह की। तो इसलिए सेकने के लिए भाई कुछ भी इंतजाम नहीं था, तो इसलिए हम अपने लिए लाए हैं एक 3 वोल्ट वाला हीटर, हैलोजन हीटर जिसे बोल सकते हैं आप। तो घर वाले बोल रहे थे भाई सुबह शाम जो है ठंडी लगती है, थोड़ा बहुत जो है सेक लेते हैं, तो आप एक जो है हैलोजन हीटर ले आओ। तो वो हम लेकर आए हैं, तो उसके बारे में हम आपको अभी डिटेल से बताएंगे और आपको दिखाएंगे भी कि क्या क्या उसमें सेटिंग्स है। और भाई जहाँ पे मैं काम करता हूँ दुकान पे, वहीं से मैं उसे लेकर आया हूँ। तो अभी रिव्यू वगैरह सॉरी हमने इन अनबॉक्सिंग तो उसकी रात ही कर ली थी, तो अभी हम उसको आपको दिखाते हैं क्या क्या सेटिंग्स है, सब चीज़ें आपको बताएंगे। और भाई चूल्हा वगैरह हमारे यहाँ जलता नहीं है, तो भाई सर्दी में जो है सेकने की ज़रूरत पड़ती ही है। तो अभी तो चलिए हम आपको सभी चीज़ें दिखाते हैं। तो भाई ये रहा हमारा 3 वोल्ट वाला हैलोजन हीटर। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं मैन पावर की, लीड की, जिसमें इससे इसमें जो है बिजली जाती है। सबसे पहले ये इसकी रही सप्लाई वायर जिससे इसमें सप्लाई जाएगी, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके नीचे की। इसमें जो है एक पुश बटन भी लगा हुआ है जिसे हम पुश बटन ही बोलते हैं वैसे तो। गाइस देखिए ये एक तरह से बिल्कुल सेफ्टी है, क्योंकि गाइस इसका काम होता है अगर हम इसे प्लेन जगह पे रखते हैं तभी ये काम करता है, अन्यथा ये जो है बंद हो जाता है हीटर। और जो है अगर हम इसे ऊपर उठाते हैं हीटर को तो ये ऑटोमेटिकली पूरा हीटर बंद हो जाता है। अभी हम आपको इसे चला कर भी दिखाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं गाइस इसकी फ्रंट की। कुछ इस तरह से फ्रंट है इसका, और आगे जो है कंपनी का लोगो लगा हुआ है बाजी के नाम से। उसके बाद बात आ जाती है जाली की। तो देखिए देखने में काफ़ी सुंदर भी लग रहा है, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको ये हीटर कैसा लगा। और अब बात कर लेते हैं इसके आगे की स्विच वगैरह की। तो भाई इसमें जो है 4 स्विच लगे हुए हैं। पहला तो मोटर का है, क्योंकि ये मूविंग भी होता है, घूमता भी है लेफ्ट राइट दोनों साइड। तो ये सुस्त हो गया मोटर का, तो पहला स्विच हो गया इसका एक सेटिंग का, एक रोड चलेगी इससे, दूसरे से चलेगी दूसरी रोड, और तीसरे स्विच से चलेगी तीसरी रोड। तो इसमें टोटल 4 स्विच हो गए, 3 हो गए 3 रोड के, और एक हो गया हमारा मोटर का जो इसको घुमाने में मदद करेगा। और भाई इसकी पावर की बात कर लेते हैं। ये है 1200 वोल्ट का, 400 वोल्ट के इसमें एक रोड लगी हुई है। और भाई अभी हम आपको इसको चला के भी दिखाते हैं। तो यहाँ से हमने इसका मेन स्विच ऑन कर लिया है, तो चलिए देखिए पहली सेटिंग्स हम इसकी ऑन करते हैं, अब दूसरी ऑन करते हैं, अब तीसरी ऑन करते हैं, अब हम आपको इसे घुमाकर दिखाते हैं। तो देखिए आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसे घूमता हुआ देख रहे होंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसको बंद करके दिखाता हूँ, कैमरे में अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों ये था वो हीटर जो हमने आपको दिखाया। तो थोड़ा इसकी अब जो है प्राइस की बात कर लेते हैं। वैसे वैसे तो जो है ये मार्केट में 1200 से 1500 के लगभग और 2000 2500 के लगभग भी आ जाता है। वो होता है कंपनी के ऊपर, कंपनी कौन सी है, कितनी अच्छी कंपनी है, उसी हिसाब से जो है प्राइस होता है। लेकिन जो है ये मुझे पड़ा है 1000 और
1050 1100 के बीच में पड़ जाएगा, क्योंकि गाइस जहाँ पे मैं लगा हुआ हूँ उन्होंने अभी मुझे पैसे नहीं बताए हैं, बट मुझे इतने का ही पड़ेगा, कोई ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। और आप ना कंपनी के हिसाब से प्राइस होता है इसका, जितनी अच्छी कंपनी होगी उसी हिसाब से इसका प्राइस होगा। तो अगर आप सर्दियों के लिए अच्छा हेलोजन हीटर लेना चाहते हैं तो आप मार्केट में जाके 3 रोड हेलोजन के नाम से हीटर बोलकर ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का, तो अच्छा खासा आपको मार्केट में, हर एक मार्केट में मिल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है इसकी, तो आप ले सकते हैं, सर्दी से बचने के लिए अच्छा है। तो अभी भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और हाँ आपको ज़रूर बताना है कमेंट करके कि आपको ये हीटर कैसा लगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।